दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हर की पौड़ी से गंगा मैया के दर्शन किए, खूबसूरत घाट देखा। अब हम चल रहे हैं बड़ा बाज़ार। हरिद्वार का स्थानीय बाज़ार है, बड़ा बाज़ार के नाम से जाना जाता है और गंगा तट पर ही स्थित है बड़ा बाज़ार। बड़ा बाज़ार का रंग बिरंगा माहौल और पारंपरिक वातावरण देसी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। बड़े बाज़ार में हर तरह की वस्तुएं उपलब्ध हैं। यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित सांस्कृतिक चीज़ें, साज सजावट का सामान, गहने, पूजा की सामग्री इत्यादि आपको आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप मिठाई के शौकीन हैं तो यहाँ का प्रसिद्ध पेड़ा और मावे से बनी हुई मिठाइयों का आनंद लेना ना भूलें। बड़ा बाज़ार में सामान्यतः आपको वस्तुएं उचित दाम पर ही प्राप्त होंगी, किंतु आप यहां पर मोल भाव भी कर सकते हैं। बड़ा बाज़ार सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है और यदि आप बड़ा बाज़ार जाते हैं तो 2 से 3 घंटे का समय लेकर जाइए, आप बहुत कुछ खरीद कर लाएंगे। गर्म कपड़ों का भी बड़ा बाज़ार है हरिद्वार का बड़ा बाज़ार। यहाँ आपको गर्म कपड़े भी बड़े अच्छे दामों पर मिल जाते हैं। बड़ा बाज़ार में आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ भी सहजता से मिल जाती हैं। तो हरिद्वार में घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं प्रकाश लोक पर, जहाँ की लस्सी हमने अभी तक वीडियो में ही देखी थी कि बहुत अच्छी होती है। अब पीने के बाद ही हम बताएंगे कैसी है, कितनी अच्छी है। पीओ तो जानो, आपको बहुत अच्छी लस्सी जैसी हमने वीडियो में देखी थी उससे कहीं बढ़ के पाई। कितनी पुरानी दुकान होगी आपकी? लगभग 55 साल के आसपास। 55 साल के आसपास। तो कैसे प्रिपरेशन करते हैं थोड़ा सा बताइए, इतनी अच्छी क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करते हैं, इतना अच्छा स्वाद जो है? शुरू से जो है हमारे फादर ने जो है एस्टेब्लिश किया हुआ है। अच्छा। और उन्होंने क्वालिटी को ही सर्वोपरि माना हुआ है जी। एक ग्राहक का पैसे का पूरा रिटर्न होने चाहिए जी। यहाँ आपको पीतल की मूर्तियाँ, मुकुट और श्रृंगार सामग्री आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभू।